हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस लाइव डिस्कशन ऑफ सुपर नाइन सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप में से सब लोगों ने सुबह 10 बजे ये जो क्वेश्चंस थे देख लिए हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश भी कर लिए हैं और आपके सारे आंसर्स भी सही आए होंगे। मगर एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जा और अपने सारे दोस्तों को भी बता दो ऑनलाइन आ जाने के लिए। कौन कौन ऑनलाइन आए हैं मुझे एक बार कमेंट्स में बता दो। गुड इवनिंग अमित, अमित बहुत रेगुलरली आते हैं। और कौन कौन आए हैं एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो। अपने सारे दोस्तों को भी बता दो कि सेशन शुरू हो गया है, ऑनलाइन आ जाओ, डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग रोहिदास, गुड इवनिंग राम, आरजू, वेलकम टू दिस सेशन। क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एक बार बताइए मुझे कमेंट्स में। गुड इवनिंग शरण्या, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप सॉल्व कर पाए हो कि नहीं कमेंट्स में बता दीजिए मुझे। हाउ आर द क्वेश्चंस, टेल मी इन द कमेंट्स। गुड क्वेश्चंस, ओके, रोहिदास को लगे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, वेरी गुड। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे आज। MSQ, NAT और MCQ तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। MCQs में एक ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुड इवनिंग योगनंदिनी, संजय, स्वरूप, अमित, अमित कह रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल हाई, वेरी गुड। अगर डिफ़िकल्टी लेवल हाई है इसका मतलब अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं हमने। गुड इवनिंग पीहू, ऑल राइट। तो पहला MCQ देखते हैं, जिन्होंने सॉल्व किया था आंसर्स पोस्ट कर दीजिए एक बार कमेंट्स में। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा। ECC क्लासेस का आंसर आ गया है एज यूजुअल, 1/3 आंसर है। गुड इवनिंग सुलेमान, राइट, ए आंसर है सुलेमान का, आंसर 2/5 है, ओके। बाकी सबका आंसर 1/3 है, ओके। यहाँ पे आपको ये यूज़ क्या करना है, आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ CI/ZI स्क्वायर, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ का ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये यूज़ करना है। अब्दुलाल ने ए कहा है, अमित ने भी एक कहा है, ओके, ऑल राइट। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमने KCL सॉल्यूशन के लिए और NH4 Twice SO4 इस सॉल्यूशन के लिए अगर हमने कैलकुलेशंस किए तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 CI। अब KCL के लिए 1 mole/kg है, मतलब 1 molar सॉल्यूशन है, तो 1 × 1² + 1 × -1² क्योंकि Cl- का चार्ज जो है वो -1 है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ NH4 ट्वाइस SO4, तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलैलिटी जो है वो C है, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2 × summation of CI × ZI। अब Z क्या होगा, और NH4 ट्वाइस Z+1 है, NH4 ट्वाइस Z+1 है, मगर NH4 plus का कॉन्सेंट्रेशन जो है That will be twice of the अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, तो इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और सल्फेट के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है मगर चार्ज जो है वो -2, ठीक है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पे ये +2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, तो ये 2 इसलिए आता है क्योंकि NH4 twice SO4 ये डिसोसिएट होके क्या करता है, twice of NH4 plus SO4 2-, ये दो सॉल्ट्स देगा, ठीक है। सो इफ दिस स्टार्ट्स विथ C, इनिशियली यहाँ पे 0 है, मगर ये कम्प्लीटली जब डिसोसिएट हो जाता है तो यहाँ पे 2 आयन्स मिलते हैं, अमोनियम आयन्स मिलते हैं, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन जो है C का हो जाता है 2C, बट दिस विल रिमेन, ठीक है। इसीलिए 2 × C ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए इस तरह हमने लिखा है। अब सिंप्लीफाई करते जाते हैं, नाउ लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई। तो ये हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर
वन इंटू वन स्क्वायर वन होगा, वन इंटू माइनस वन स्क्वायर भी वन होगा. दिस विल बी इक्वल टू सी इंटू टू इंटू वन स्क्वायर प्लस सी इंटू फोर. ठीक है, सो देयर फोर टू इज इक्वल टू सिक्स सी. सो देयर फोर सी इज इक्वल टू टू बाई सिक्स विच इज वन थर्ड. ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन वन अपॉन थ्री इज द आंसर. तो पी सी सी क्लासेस शिशिर, अमित और देवदुलाल, अमित, बीहू, रोहिदास, आप सबके आंसर्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन वन अपॉन. ठीक है, ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ये कई बार कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है. इनफैक्ट इवन आईआईटी जैम के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन आयनिक स्ट्रेंथ. इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये. मगर यहाँ पे जो स्टॉइशोमेट्री आती है, स्टॉइशोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप आयनिक स्ट्रेंथ सही तरीके से कैलकुलेट कर सको. ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो अभी पूछ लो, कमेंट्स में बता दो मुझे इमीडिएटली. ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ऑलराइट, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लो. ठीक है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम वन मोलर टू टेन रेस टू माइनस फोर मोलर. वन मोलर जब होगा तो ई नॉट होगा, और टेन रेस टू माइनस फोर मोलर होगा तब सिर्फ ई होगा. ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में. अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. आपको यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करना है. ऑक्सीडाइजिंग पावर का ही मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. ओके, अमित सॉल्व नहीं कर पाए हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है अमित, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था. मैं इन क्वेश्चंस को कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कहता हूं, मैं हमेशा इनको ट्रिकी क्वेश्चंस कहता हूं. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बेसिक एक ट्रिक अप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो नॉन्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताता है? नॉन्स्ट इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू. और ये क्यू क्या है? क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, बट नॉट नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम होता तो यहाँ पे के लिख देते, अगर इक्विलिब्रियम होता तो ई वुड हैव बीन इक्वल टू ई नॉट, तो सॉरी ई वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है. करंट इज स्टिल फ्लोइंग और अ पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टिल बीइंग क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर कपल, परमैंगनेट मैंगनीज 2 प्लस कपल. ठीक है, तो अब ये सॉल्व कैसे करना है ये आपको मुझे बताना है. ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम साथ में वर्चुअल कैलकुलेटर कर लो. ओके, वर्चुअल कैलकुलेटर का भी मैं कुछ कर लेता हूँ, इंतजाम कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. इट्स अ गुड सजेशन. रोहिदास, अरंदना, विश्वनाथन, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. एक्चुअली 4 बज गए हैं तो शाम शुरू हो गई है हमारी. ओके, तो इसका आंसर किसी ने सॉल्व किया है? कोई है जहाँ पे यहाँ पे जिन्होंने सॉल्व किया है? अब उन्होंने पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर चेंजेस बाय, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज ई माइनस ई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है. हमें कैलकुलेट करना है ई माइनस ई नॉट का वैल्यू. अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये जो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ है, ओके, इसमें से ये जो पार्ट है 2.303 आर टी अपॉन एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.059 एट एस टी पी. ठीक है, और अदर एन टी पी 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये 0.059 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. करेक्ट रोहिदास, आपने जैसे बताया है दिस लिंक सेंड टू गेट कैलकुलेटर. ओके, गेट कैलकुलेटर का कोई एक लिंक भी मैं आपको दे सकता हूँ, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे अमित ने बताया है. ओके, तो पीयू का आंसर बी है. पीयू एक बार ठीक से सोच लो कि आंसर क्या आना चाहिए. ओके, तो देयरफॉर हम लिख रहे हैं ई माइनस ई नॉट 0.059 अपॉन एन, मगर यहाँ पे माइनस साइन भी आएगी, माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यू. अब ये क्यू क्या होगा? अब क्यू क्या आएगा? क्यू मतलब रिएक्शन कोशेंट. अब रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट कैसे करना है?
अब मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ ताकि मेरे पीछे लिखा हुआ आप देख सको। हमें MnO4- माइनस को कन्वर्ट करना है Mn2+ प्लस में। MnO4- माइनस को हमें कन्वर्ट करना है Mn2+ प्लस में। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये आपको सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे चार ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं चार H2O ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चार H2O ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हाइड्रोजन्स एक्सेस में हैं तो यहाँ पे 8H+ हो जाएंगे, यहाँ पे 8H+ आ जाएंगे, ठीक है। अब चार्जेस को बैलेंस करो, 8+-1 मतलब 7+ होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2+ है, मतलब यहाँ पे आने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि Q का फॉर्मूला क्या है। Q इज इक्वल टू Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय MnO4 का कॉन्सेंट्रेशन, MnO4- माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस बार याद रखो कि 8H+ भी यहाँ पे आ गया है और इसकी वजह से यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 8 हो जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 8 लिख देना है, ओके। तो ये एक जो पार्ट है, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार ये समझ में आ जाए तो इसके बाद आगे का कैलकुलेशन कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दिया गया है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴ मोलर, ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, ओके। और जैसे रोहिदास बता रहे हैं, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें बताते हैं कि एन इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये जो एन है दिस एन इज इक्वल टू 5। अब सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये Mn2+ और MnO4- माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है, तो दैट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स द सेम। और फिर बाद में हमें करना क्या है, E-E0 कैलकुलेट करना है। E-E0 विल कम आउट टू बी -0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू है 5 इंटू log of। अब मैंगनीज 2+ और MnO4- पर मैंगनेट के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में अज्यूम कर सकते हैं, तो वो दोनों 1 ही आ जाएंगे। बट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴, यहाँ पे 1/1 × 10⁻⁴ रेस टू 8 हो जाएगा, 10⁻⁴ रेस टू 8 मतलब 10⁻³२ है, एंड log of 1/10⁻³² मतलब log of 10⁻³ आएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी -0.059। इसको राइट, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 32, ठीक है। ये 32 क्या है, 32 इज एसेंशियली log of 10⁻³², दिस कम्स आउट टू बी 32, ये यहाँ पे 32 लिख दिया है। अब ये सॉल्व करोगे तो आई थिंक आंसर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। ये कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर पॉजिटिव नहीं आने वाला है, आंसर नेगेटिव आने वाला है। 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आ जाता है 0.38। -0.38 के आसपास जो भी आंसर आएगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दैट इज क्यू, नहीं नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दैट इज क्यू, ठीक है रोहिदास। प्रोडक्ट मतलब के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला है वही क्यू के लिए भी है, सिर्फ क्यू हम नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज -0.38 वोल्ट्स, ठीक है। PCC क्लासेस, आपका आंसर एकदम सही है। शाम, आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे सॉल्व करना है। आरजू और रोहिदास और पीहू, आप सबको आई होप अब समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप कमेंट करना मत रोकिए, 10⁻⁴ वाली स्टेप समझा दूँ। 10⁻⁴ वाला क्या है, 10⁻⁴ तो यहाँ पे दिया गया है हमें, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁴ दिया गया है हमें डायरेक्टली, वही वैल्यू यहाँ पे समझा दे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है
एंड ये जो 10^-4 वन अपॉन 10^-4 रेस टू 8 दिस 1/10^-32 और 1/10^-32 क्या हो जाता है, दिस बिकम्स 10^+32, ठीक है, इसलिए आ गया है. ऑलराइट, ठीक है शाहिद, एक बार क्वेश्चन वन के लिए आप बाद में जाके ये वीडियो फिर से देख सकते हो, ये वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा, तो क्वेश्चन वन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में आप जाके देख भी सकते हो फिर से, ठीक है. तो पीयू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, -0.3776 है, उसके सबसे नज़दीक है -0.38, तो वो आप देख लो, वो आपका आंसर है, ठीक है. सी इज़ नॉट द आंसर पीयू, डी इज़ द आंसर, बिकॉज सी में +0.38 है, डी शुड बी द आंसर -0.3, ठीक है. यस शाहिद, इस क्वेश्चन को भी आप बाद में जाके देख सकते हो, जैसा मैंने कहा ये वीडियो रहेगा, आप अगला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या आएगा, डी बाई लेंथ के ऊपर क्वेश्चन है, डी बाई लेंथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है बताइए. ये बहुत ईजी है, अगर आपको डी बाई लेंथ का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अमित का आंसर है ए, पीसीसी क्लासेस का भी ए है. ऑलराइट, शाहिद इसका आंसर क्या आएगा बताइए एक बार. ओके, सबको लग रहा है कि आंसर ए है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो डी बाई लेंथ है, ओके, वन अपॉन कैपा इनवर्स इज कॉल्ड एज डी बाई लेंथ, 1/kappa inverse is called as d by length. So A is the correct answer. क्योंकि आप ये देख के पता चल रहा है कि k kappa inverse is directly proportional to square root of E upon I. I क्या होता है, I is the ionic strength. And ये जो I है, I के लिए हम लिख सकते हैं it is equal to half square. Therefore, kappa will be proportional to square root of t upon t. ठीक है, कि I is proportional to, समझ में आ गया. तो t upon c मतलब t अगर डबल हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल होना पड़ेगा, तभी जो डी बाई लेंथ है वो सेम रहेगा. ओके, सो विच इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है. आप ऐसे लिख सकते हो, कप्पा इनवर्स a अपॉन कप्पा इनवर्स बी, दिस इज, क्योंकि दोनों इक्वल है, एंड दिस शुड कम आउट टू बी स्क्वेयर रूट ऑफ टी ए अपॉन सी ए डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टी बी अपॉन सी बी, ठीक है. और पर वन आने चाहिए, तो इसी का मतलब होगा कि देयरफॉर टी ए अपॉन टी बी विल बी इक्वल टू ये अपॉन, ठीक है. तो ये रेशो जहाँ पे सेम है, दैट इज द करेक्ट आंसर. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है, ठीक है. ऑलराइट, इजी है क्वेश्चन ये, सिर्फ ये डी बाय लेंथ का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. जो डी बाय लेंथ का फॉर्मूला है, ये सिर्फ आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया सबको, ठीक है. और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपने आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया है तो अभी जाके करो. मैं देख रहा हूँ कि 25 लोग ऑनलाइन हैं मगर लाइक सिर्फ 19 है, इसका मतलब सबने लाइक भी नहीं किया है, जाके वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए हमारे जो अपडेट्स आते रहते हैं, नए नोटिफिकेशंस आते रहते हैं एग्ज़ाम्स के, तो वो भी आपको सही टाइम से मिल जाए. तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे हमारे आने वाले नए वीडियोस के, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MSQs, ठीक है. MSQs में याद रखिए, मोर देन वन कैन बी करेक्ट, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक से ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए. समटाइम्स ओनली वन इज़ करेक्ट, समटाइम्स मोर देन वन कैन बी करेक्ट, ठीक है. तो कितने भी आंसर सही हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा ही सही होने चाहिए, ठीक है.
मगर MSQs देखने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, CSIR NET का जो जून 2021 को टारगेट करने वाला बैच है वो 4th ऑफ जनवरी से शुरू हो गया है, और उस बैच के लिए एनरोल करना है तो इमीडिएटली यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉल कीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वैसे ही ये BARC OCES का जो एग्ज़ाम है, साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट है, क्लास वन ऑफिसर का पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो BARC OCES का जो कोर्स है इसके लिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर ये फेलोशिप आपको मिल गया तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपकी लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। शादी वादी का अगर ख्याल है तो गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी, आपकी एक चिंता कम हो जाएगी लाइफ में, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। MSQ मोर देन वन आंसर्स कैन बी करेक्ट, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक बार बताइए इसका आंसर क्या है। रोहिदास ने आंसर आई थिंक इमीडिएटली लिख लिया है ए। ऑलराइट, बाकियों को क्या लगता है क्या आंसर है? याद रखिए दिस इज MSQ, दिस MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। किसी क्लासेस ABCD, अच्छा ABCD एक आंसर आया है, और क्या क्या आंसर्स हैं? और किसी को कोई आंसर्स लग रहे हैं? ईहू को लग रहे हैं कि बी और सी आंसर्स हैं, ओके राइट। बाकियों को क्या लग रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये एक बार मैं आपको बता दूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सो ए इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक सबने जो आंसर्स बताए हैं वो आंसर्स एकदम सही हैं, ABCD ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर होता है, इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो 1 atmosphere, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एंड अगर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है, तो उसको सॉल्यूशन के जो H+ आयन्स होते हैं, मतलब हमें यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, H2 इज़ अ गैस एंड यहाँ पे 2H+ एक्वियस सॉल्यूशन में होते हैं, तो यहाँ पे फेजेस चेंज हो रही हैं, तो फेजेस अगर चेंज होती हैं तो कोई ना कोई एक इंटरफेस होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो प्लैटिनम मेटल होता है ये एक सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक इंटरफेस बना देता है जिसपे हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो सके और सॉल्यूशन में जो H+ आयंस हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें। तो इवन डी इज करेक्ट, तो ऑल 4 आंसर चॉइसेस आर करेक्ट, सो वेरी गुड। आई थिंक आप सब लोगों ने सही आंसर्स दिए थे। किसी क्लासेस अमित, सुलेमान, शाहिद, श्याम, अविका, रोहिदास, आप सबके आंसर्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, ठीक है। और आपको अगर किसी को भी मैंने जो 2 courses बताए थे BARC OCES के या फिर गेट का टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे कमेंट्स में एक जो फ़ोन नंबर हमने एक दे दिया है उस फ़ोन नंबर पे इमीडिएटली कॉल कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उन, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए आप। ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके एक आंसर आया है बी और डी, अमित का आंसर है BD, बाकियों का क्या आंसर है? बाकियों को क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे बताइए एक बार। इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, ECC क्लासेस का आंसर है ए और सी, श्याम का आंसर है बी और डी तो हमने लिख लिया है। ओके ए और सी आंसर है, ओके सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
हो जाएगा। ओके ए सी और बी डी, एक और आ गया बी सी। ऑल राइट, बी सी भी आंसर है, ठीक है। और कोई आंसर्स? ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये जो ओवरऑल सेल है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कैथोड की तरफ हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दिया है। तो जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक गेट्स कन्वर्टेड टू जिंक टू प्लस, ठीक है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब एच प्लस विल गेट रिड्यूस्ड टू एच टू, एच प्लस विल गेट रिड्यूस्ड टू एच टू, ठीक है। और ये रिएक्शन होने वाला है, ये रिएक्शन होने वाला है। और ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दिस रिएक्शन जेनरेट्स ईएमएफ, दिस रिएक्शन जेनरेट्स ईएमएफ, ठीक है। तो अगर हम H2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, H2 का प्रेशर अगर हम इंक्रीज करें, ओके, ओ सॉरी H2 नहीं, H2SO4 हम ऐड करें हैं, H2SO4 मतलब H+ हम ऐड करें हैं, H+ अगर हम इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, करेक्ट, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और राइट की तरफ शिफ्ट होगा इसका मतलब ईएमएफ और ज़्यादा जनरेट होगा। अगर राइट की तरफ जनरेट होगा तो ईएमएफ और ज़्यादा जनरेट होगा, इसका मतलब क्या है? देर विल बी एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल, ठीक है, देर विल बी एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल। जो जिन्होंने ए लिखा है ये गलत है, आई थिंक ए डी भी किसी ने बताया था, ये भी गलत है, ठीक है, ए सी और ए डी ये दोनों आंसर्स गलत है, ए सही नहीं हो सकता, ठीक है, और बी होना चाहिए, तो या तो बी डी है या फिर बी सी है, कौन सा है? कुछ लोगों को लग रहा है बी डी है, कुछ लोगों को लग रहा है बी सी है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट, इसका मतलब बी डी इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब है कि बी डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको कैसा है? रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है ये देखना है, और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, अगर प्रोडक्ट्स का इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आरजू पीसीसी क्लासेस, अमित कुमार और देवदुलाल और श्याम, आप सबके आंसर सही है, अमित रंजन का भी आंसर एकदम सही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इफ वी सॉल्व इन नर्न्स्ट इक्वेशन। अच्छा, नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, ओके, नर्न्स्ट इक्वेशन से भी बता देता हूँ कैसे करना है। नर्न्स्ट इक्वेशन से आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर देखिए इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ क्यू, और क्यू क्या होगा, यहाँ पे एच टू है, मतलब प्रेशर ऑफ एच टू गैस आएगा, मल्टीप्लाइड बाय जेड एन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, डिवाइडेड बाय जिंक का एक्टिविटी आएगा, मगर जिंक तो सॉलिड है, ठीक है, तो जिंक का एक्टिविटी वन आएगा, और एच प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वेयर हो जाएगा, एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन स्टिक इक्वेशन, ओके। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि ये जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज होगा। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल जो ब्रैकेट है ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी डिक्रीज होगा, आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉगरिथम, ये वैल्यू डिक्रीज होगा। मगर उसको अगर माइनस साइन हमने दे दिया, उस ब्रैकेट को अगर हमने माइनस साइन दे दिया है, तो ये जो पूरा है ये इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज, कोई भी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उस वैल्यू का नेगेटिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल पाँच का अगर दो हो रहा है, ओके, ये डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस पाँच से दो जाएगा, माइनस पाँच से माइनस दो जाओगे तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए जब नेगेटिव साइन है तो इंक्रीज हो रहा है,
तो अगर ये पूरा इंक्रीज हो रहा है तो ई विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज दिस विल बी ई नॉट प्लस समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग, नॉट प्लस समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है. इसीलिए आपको मिलेगा इंक्रीज इन ई एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट. इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि क्यू जो है क्यू इज डिक्रीजिंग, और अगर रिएक्शन क्वेश्चन डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा राइट की तरफ जाता है. ओके, क्यू डिक्रीजेस इसका मतलब देर इज अ राइट शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है. और ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए ई भी इंक्रीज होता है. समझ में आ गया? ओके शाहिद, आई होप अब आपको समझ में आ गया है कैसे करना है. रिएक्शन एक्सप्लेन कर दो. रिएक्शन में क्या है, अब ये देखो, ये जो सेल दिया है आपको, यहाँ पे जो जो सेल दिया है ईएमएफ जनरेट करने वाला, तो मैं आपको छुपा देता हूँ थोड़ी देर के लिए. तो इस सेल के, सेल में हमेशा आपको याद रखना है लोन. लोन क्या होता है, लेफ्ट में जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड होता है और वो नेगेटिव होता है, ठीक है. तो ये लोन आपको याद रखना है. तो लेफ्ट में जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो Zn2+ का Zn2+ होना चाहिए तभी वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है. अब समझ में आ गया ये रिएक्शन क्या है. अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन क्या है. जिंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है. जिंक अगर लेफ्ट हैंड साइड में है इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा. इलेक्ट्रॉन्स का लॉस अगर हो रहा है इसका मतलब चार्ज जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा. तो जिंक विल बी कन्वर्टेड टू Zn2+. और जिंक अगर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो दूसरा जो है यहाँ पे रिडक्शन होना ज़रूरी है. और रिडक्शन मतलब क्या है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो H+ को अनचार्ज करने के लिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होते हैं. इसका मतलब H+ लेफ्ट में होगा, H2 राइट में होगा. ये हो गया आपका रिएक्शन. इस रिएक्शन को सिर्फ मैंने बाद में बैलेंस किया है यहाँ पे 2 लिख के, ठीक है. दैट्स ऑल. अब आई होप रोहिदास आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे हमने रिएक्शन लिखा है. ऑलराइट, गुड इवनिंग दीपमाला. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी. द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी. समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, विल डिपेंड अपॉन फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. तो अब बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए. ओके, अमित को लग रहा है ए बी और डी. ओके, एक कॉम्बिनेशन है ए बी डी. जेड आई टी, अच्छा अच्छा आप इक्वेशन बता रहे हो, मैं सोच रहा हूँ जेड ऑप्शन कहाँ से आ गया. ओके, देवदुलाल को लग रहा है ए बी सी है. ओके, और बाकी लोगों को क्या लग रहा है. अविका को लग रहा है सिर्फ बी है. अविका याद रखिए ये MSQ है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं. शौविक आप भी देख लो, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं. ओके, ECC क्लासेस को लग रहा है ए बी सी डी चारों आंसर्स हैं. ओके, ऑलराइट, और किसी ने कोई आंसर है. अमित ने आई थिंक इक्वेशन भी दे दिया है, अमित और PCC क्लासेस ने. W=ZiT. खुशी को लग रहा है ABC हो गया है. ओके, तो W=ZiT ये तो आप सबको पता है, ठीक है. तो मतलब ये यहाँ पे जो करंट है और टाइम है ये तो दोनों सही होने चाहिए, टाइम और करंट ये तो होने ही चाहिए. इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कहाँ से आता है. अब ये जो Z है, ये Z क्या होता है, Z=m मतलब मोलर मास अपॉन n इंटू एफ, ठीक है. और मोलर मास अपॉन n क्या होता है, दिस इज द इक्विवेलेंट मास, ठीक है. इसका मतलब इक्विवेलेंट मास भी सही है.
का मतलब है इक्विवेलेंट मास भी सही है। अब रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिटरमाइन एनीथिंग। आप कहोगे कि रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो मास इज लेसर। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, ओम्स लॉ से ये हमें पता है, बट हम करंट बढ़ा सकते हैं रेजिस्टेंस को कम कर सकते करके, ठीक है, या फिर सेम रेजिस्टेंस रखा, इफ़ वी कीप द सेम रेजिस्टेंस बट इंक्रीज द पोटेंशियल, इफ़ वी कीप द रेजिस्टेंस सेम बट इंक्रीज द पोटेंशियल, तो करंट बढ़ेगा एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज इवन वेन द रेजिस्टेंस इज रिमेनिंग द सेम। तो रेजिस्टेंस को सेम रख के पोटेंशियल इंक्रीज करके हम करंट बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड, विच इज वाई रेजिस्टेंस डज नॉट डिसाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। ठीक है, इसीलिए ए बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स, तो ए बी एंड सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं करंट इज, अच्छा रेजिस्टेंस शायद आपको कहना था, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बट दैट इज ओनली एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं तो दैट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, आप रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं फिर भी करंट इंक्रीज होता रहेगा, ओके, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही आंसर यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस ही आंसर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड, ओके, द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ये आंसर एकदम सही आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ए बी सी आंसर कई लोगों ने दिया है, खुशी ने बताया था, रश्मि ने भी बताया है, देवदुलाल ने भी वही बताया है, अमित ने भी वही बताया है, अमित रंजन ने, और अविका ने भी वही बताया है, रेहान, इहू, आरजू। अगर आप इस सुपर नाइन सीरीज़ के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर देखोगे, ठीक है, हमने जो पहला लेक्चर किया था केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर किया था, उस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स के एमएसक्यू देखिए, उन एमएसक्यूज में से मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए थे, किसी का भी आंसर सही नहीं आया था। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के एटलीस्ट आंसर सही आ रहे हैं, बाकी लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी एक्सलेंट इम्प्रूवमेंट दैट ऑल ऑफ यू आर शोइंग इन एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लेक्चर्स का आपको फ़ायदा हो रहा है, एंड कीप स्टडिंग, कीप अटेंडिंग दीज लेक्चर्स, आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ योर प्रोग्रेस, ओके, एक्सलेंट। ठीक है, तो ये थे सारे MSQs, राइट, रोहिदास ने लिखा है जेड इज इक्वल टू एम अपॉन एन एफ, ओम लॉ फॉलो नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस को देखिए, आप इसको अगर कांस्टेंट रख दिया, इसको रेजिस्टेंस को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो आई इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड ओनली डिपेंड्स अपॉन द करंट। ठीक है, और करंट डिसाइड करता है एट कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो वी कैन ऑलवेज गेट द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऑलराइट, तो रोहिदास ओम्स लॉ डज गेट फॉलोड एंड विच इज एग्जैक्टली व्हाई, अगर पोटेंशियल हमने चेंज किया तो एट एनी गिवन रेजिस्टेंस वी कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड। ठीक है, शायद स्क्रीन ब्लर कभी कभी हो जाती है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एकदम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, आई डोंट थिंक आर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ प्रॉब्लम। तो शायद थोड़ी देर बाद देखिए, मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा, तो स्क्रीन भी अच्छी दिखाई देने लगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। चलो अपने कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाओ, याद रखिए कैलकुलेटर नॉर्मल जो आपका आपके फ़ोन में जो कैलकुलेटर है वो यूज़ मत कीजिए, गेट का एक सेपरेट कैलकुलेटर होता है, उसका एक ऐप भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो गेट कैलकुलेटर का एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप से प्रैक्टिस किया करो, उस ऐप से कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, नंबर्स एंटर कैसे करने हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डोंट प्रैक्टिस कैलकुलेशंस ऑन योर रेगुलर कैलकुलेटर। ठीक है, ओके, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देता हूँ, मैंने भी एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया है इसका आंसर।
ओके तो मेरा कैलकुलेशन हो गया है, अमित ने आंसर दिया है 63.24। ओके अज्यूम करो कि आपको दो डेसिमल्स तक लेना है, तो 63.245 है तो 63.25 लिख सकते हो। ऑलराइट, पीसीसी क्लासेस का भी ये है। ओके यस सर आई हैव, ओके गुड। आरजू ने गेट कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड किया है, वैसे ही आप लोग भी डाउनलोड करके रखो। ऑलराइट, अमित रंजन का आंसर है 2। अमित आपका आंसर एक बार चेक कर लो, 63.24 ये जो आंसर सब लोग दे रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन गेट कैलकुलेटर का लिंक शेयर करूँ? ओके थोड़ी देर में शेयर करता हूँ मैं वो भी, या फिर मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। इसके डिस्क्रिप्शन में देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ ऑनलाइन गेट कैलकुलेटर का लिंक। एक बार मैं सेशन भी लेने वाला हूँ कि ये गेट कैलकुलेटर कैसे यूज़ करोगे, तो उसका एक सेशन अलग से मैं लेने वाला हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, सो डोंट वरी, गेट कैलकुलेटर का ऐप फिलहाल डाउनलोड कर लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। एक बार हम बैठ के भी यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही रैंडम कैलकुलेशंस लेके आऊँगा और हम बैठ के गेट का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि ये कैसे यूज़ करना है। ओके आरजू, हाँ 63.28 28 नहीं होगा, 63.24 होगा। ओके 63.24 ये आंसर है। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, याद रखिए कोलरॉस लॉ जो है, कोलरॉस लॉ आपको लिखना है। दिस इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम जीरो, मतलब लैम्डा एम लिमिटिंग वैल्यू, माइनस बी इंटू रूट सी, और ये जो बी है दैट इज द कोलरॉस कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो बी अगर कैलकुलेट करना है देयरफॉर बी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ, ओके और यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब लैम्डा एम नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आता है यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ के प्लस एंड सी एल माइनस, ये यूज करने हैं। तो के सी एल के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, 73.5 प्लस 76.5, और यहाँ पे आएगा माइनस 130। ये ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है सॉल्यूशन का, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया गया है 0.1। अब सिर्फ सॉल्व करो, 63.245 ऐसा कुछ आंसर आ जाता है। ठीक है, इसका यूनिट ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर रेज टू 7/2 मोल रेज टू -3/2। ठीक है, यस वेरी गुड, आप सबका आंसर सही आया है, आई एम वेरी हैप्पी अगेन। ये जो इक्वेशन है कोलरॉस इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, वेरी गुड। सर मुझे क्वांटम डिफिकल्ट है, मैं छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं रोहिदास, इसका आंसर मैं हमेशा ना कहूँगा, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्वांटम में से जो आपको सही ईजी लगता है वो पार्ट करो। मैं हमेशा बताता हूँ एनर्जीज का जो पार्ट है, एनर्जी सेपरेशन के जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज ठीक से करो, वो इजी पार्ट है। मुझे पता है कि वेव फंक्शंस का थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कॉन्सेप्ट बहुत स्टूडेंट्स को, तो वेव फंक्शन आप इग्नोर कर सकते हो, मगर एनर्जी का पार्ट मत छोड़ो। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, इवन हाइड्रोजन एटम का भी एनर्जी आपको करना चाहिए। हाइड्रोजन एटम, 1D बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर, इन सब के एनर्जी के फार्मूलाज और एनर्जी लेवल्स का जो डायग्राम होता है वो ठीक से करो, उतना भी काफ़ी है। वेव फंक्शंस में भी छोड़ दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, 28 ही आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे शायद आप कैलकुलेटर गलत यूज़ कर रहे हो, एक बार ये सेपरेटली कैलकुलेट कर दो। न्यूमरेटर सेपरेटली कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर सेपरेटली कैलकुलेट करो। न्यूमरेटर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक आएगा 150 माइनस 130 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0.1 आएगा। ठीक है, रूट ऑफ 0.1 आएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 20 अपॉन, ये आई थिंक आता है 0.31 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, सो 20 अपॉन 0.31 ये 63 के आसपास ही आएगा। ठीक है आरजू, तो आपके कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो और आपको पेपर पे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ba2+ टी ऑफ Ba2+ दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम
naught of BA2 plus divided by lambda m naught of BA4. ये आपको कैलकुलेट करना है और इसमें कोलरोश लॉ यूज करना है. ठीक है, ओके. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 4, 5. मेजॉरिटी आंसर्स 4, 5 के आसपास आ रहे हैं. ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं. सबसे पहले मुझे बताइए, ठीक है, फाइनल आंसर मत बताइए, BA2+ का कॉन्सेंट्रेशन, BA2+ का मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे. अब BA2+ का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए ये BaCl2 आप यूज कर सकते हो. लैम्डा एम नॉट BaCl2, और इससे ये जो दो क्लोरीन्स है इनका अगर मोलर कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो तो BA2+ का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा. अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा. BaSO4 का मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, BaSO4 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे. क्या ये सही है, लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ K2SO4 माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl. ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, क्या ये इक्वेशन सही है, ये बताइए मुझे, ये बताइए क्या ये सही है. प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस सही है कि नहीं है, एक बार बताइए मुझे क्या होना चाहिए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए. नहीं है, शाहिद को लग रहा है सही नहीं है. शाहिद कैसे करेक्शन करूं मैं इसमें, क्या करेक्शन करना चाहिए मुझे इसमें. गुड आफ्टरनून हिमानी, आप थोड़े से लेट हो गए हो, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है सेशन, तो बाद में ध्यान रख के ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा. करेक्ट, आविका ने बताया है -2 KCl होना चाहिए, -2 KCl होना चाहिए, राइट, 2 इन द KCl टर्म. सर नॉट गुड फॉर PH3, सर नीट गुड फॉर PhD थ्रू गेट. मैं आपका क्वेश्चन भी नहीं समझ रहा हूँ. ओके, हाँ राइट, यहाँ पे -2 होना चाहिए. तो अब ये सॉल्व करें, BaCl2 का वैल्यू है 280 माइनस 2 × 76 डिवाइडेड बाय 280 प्लस K2SO4 का वैल्यू है 150 माइनस ट्वाइस ऑफ KCl का, अच्छा नहीं, 150 KCl का है, K2SO4 का हमें ऐड करना है. तो ये मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट मैं फिर से करेक्शन करता हूँ इसमें. ओके, अब मैं फिर से लिखता हूँ, 280 प्लस K2SO4 का कंडक्टेंस है 300 माइनस KCl का है 150, तो 2 × 150, तो ये 300 तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 76 × 2 = 152 और 128 आएगा यहाँ पे, 128 अपॉन 280, और ये कैलकुलेट कर सकते हो, 128 बाय 280 क्या आता है, 0.457. इज NIT गुड फॉर PhD थ्रू गेट. हिमानी, PhD के लिए आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, आपको कौन से लैब में जाना है वो भी देखना पड़ता है. तो इसके ऊपर हम एक पूरा 2 घंटे का सेशन कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे डिसाइड करें PhD के लिए, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. सो सिर्फ इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाइए, इंस्टीट्यूट में कौन से लैब में आप काम कर रहे हो वो भी देखना है आपको. ठीक है, और राइट, -2 KCl, सो 0.457 ये करेक्ट आंसर है. अगर आपको ये 2 decimals तक लिखना है तो 0.46 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टेक द यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, इसका यूनिट सेंटीमीटर रेज टू 7/2. अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि ये रूट ऑफ सी है ना,
स्क्वायर रूट ऑफ सी करोगे तो मोल्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए ये सही ये इस तरह का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ईएमएफ दिया है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ईएमएफ दिया है इस सेल का द मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ CdCl2, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए ये बताइए मुझे। 0.56, ओके, अमित ने आंसर दे दिया है 0.56। अमित हमेशा फर्स्ट क्यों होते हैं आंसर देने के लिए, बाकी लोग सॉल्व किया है क्वेश्चन या नहीं है। रश्मि 0.56, ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट सेल आएगा 0.222 माइनस 0.403, मतलब 0.625 वोल्ट्स। ये तो आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ई नॉट सेल तो हमें मिल गया, इसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट इक्वेशन यूज करना है। तो ई सेल इज E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू अब Cd2+ और Cd है का मतलब एन का वैल्यू 2 होगा, इनटू लॉग टू द बेस 10। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे अंदर क्या लिखना चाहिए ताकि आपका आंसर सही आ जाए, यहाँ पे क्या रखना चाहिए। रश्मि, ये जो टॉपिक्स हैं आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा दो तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि कल कौन सा लेक्चर है, क्या है, आप डायरेक्टली चैनल पे ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो रश्मि एक बार जाके सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 4 बजे लेक्चर था तो 3:30 बजे आधा घंटा पहले आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, और रोज सुबह 10 बजे आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा दिन मिलता है और उसके बाद 4 बजे डिस्कशन होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है, देखिए AgCl सॉलिड है, Ag सॉलिड है तो इनका एक्टिविटी जो है दैट विल ऑलवेज बी 1। कैडमियम जो है ये भी सॉलिड है, इसका भी एक्टिविटी 1 होगा और CdCl2 का हमें एक्टिविटी यहाँ पे लिखना होगा, बट CdCl2 इज़ अ रिएक्टेंट, ओके सॉरी CdCl2 इज़ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ये कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब ये रिएक्शन हम कैसे किस तरह लिख सकते हैं, Cd+2CL- दिस गिव्स CdCl ओके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो अगर सीडी से CdCl2 में कन्वर्जन हो रहा है तो CdCl2 इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर जाते हैं, न्यूमरेटर में जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ CdCl2। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्टिविटी ऑफ CdCl2। ठीक है, ओके, अब थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, डिसकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ CdCl2, ओके, अब Cd2+ और Cl2 Cl- का स्क्वायर, ये सब लिखना ज़रूरी है क्या, नो, बिकॉज वी आर बीइंग आस्क्ड मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और यहाँ पे हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स का डेफिनेशन डायरेक्टली यूज़ करना है, वो भी मैं कैसे करना है ये बता देता हूँ। तो ई सेल दिया है 0.780, ई नॉट सेल हमें बताया गया है, ये हमने कैलकुलेट किया है 0.625 माइनस 0.059 अपॉन 2 इनटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी। ये इक्वेशन हमें आ गया है, अब ये सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर log to the base 10 of activity, this will be equal to 0.780 minus 625
डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट सेवन एट जीरो इंटू टू अपॉन 0.059 को 0.06 भी लिख सकते हो, अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो डायरेक्टली इस तरह भी आ जाएगा। तो इफ़ यू सॉल्व दिस व्हाट विल यू गेट। अब हमेशा ध्यान रखिए एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन वन। कई बार जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन जितना होना चाहिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन से कम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट द एक्टिविटी कम्स आउट टू बी। 0.625 माइनस 0.780 ये आता है माइनस 0.155 एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059 ये आ जाएगा माइनस 5.25, ठीक है। सो देयरफॉर एक्टिविटी ऑफ CDCl2 क्या है, दिस विल बी 10 रेस टू माइनस 5.25। तो 10 रेस टू आंसर दिस गिव्स 5.56 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, ठीक है। ये है एक्टिविटी, ये है एक्टिविटी। बट नाउ व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी हमें पता है कि एक्टिविटी इज ऑलवेज गामा प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया है क्या, यस वी हैव बीन गिवन कॉन्सेंट्रेशन इन द क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एम इज 0. कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू बी 0.02, ठीक है। हाँ CDCl2 को न्यूमरेटर ही लिखा है ना रोहिदा, CDCl2 को न्यूमरेटर ही लिखा है आई थिंक। ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ आएगा, हाँ आई गेस सारे कैलकुलेशंस तो सही लिखे हैं। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0.02। देयरफॉर गामा प्लस माइनस क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी, ये जो मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट है ये क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय 0.02 और आंसर आ जाएगा 2.78 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, 2.78 इंटू 10 रेस टू माइनस 4। एक्टिविटी 1 से कम नहीं होती है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है वो 1 से कम होता है, एक्टिविटी हमेशा कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, ठीक है। रोहिदास ये एक बार फिर से देख लो, ये एक बार फिर से सुन लो, एक्टिविटी जो होती है दैट इज नॉट नेसेसरीली लेस देन 1, एक्टिविटी कैन बी मोर देन 1 इफ कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, बट एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन। इसका रीजन है ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है गामा प्लस माइनस दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर 0 और 1 के बीच में जो नंबर है उस नंबर से कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्टिविटी जो है वो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन से कम आएगा, बट एक्टिविटी डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी लेस देन 1। टिपिकली रियल लाइफ सिचुएशंस में एक्टिविटी 1 से कम ही आती है। ऑलराइट, यस 2.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 दैट इज द करेक्ट आंसर। 2.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है सबको ये, ओके। तो इस तरह ये सॉल्व करना है, आपको ध्यान में रखना है ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ऑब्वियसली आपका नर्न्स्ट इक्वेशन है, नर्न्स्ट इक्वेशन से भी आपको ये आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। समझ में आ गया सबको, राइट, ओके। PCG क्लासेस एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी लोग अपना आंसर चेक कर ले एक बार, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है एक बार चेक कर लीजिए। एक्टिविटी ऑफ CDCl2 यहाँ पे हमने लिखा है, राइट, सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके, एक्सलेंट रश्मि, गुड इवनिंग विष्णु, गुड इवनिंग शाहरुख, ओके। सो पीहू, रोहिदास, रेहान, साहू, रश्मि, अमित, एक बार आपने आंसर्स चेक कर लो, टैली कर लो। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखिए एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, बट एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ओके, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, यू वॉन्ट less than or equal to 1. Therefore, activity is always less than or equal to concentration. Okay? तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको बाद में ये मिल जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार मुझे कॉमेंट्स में बता दो।
रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर क्यों नहीं हुआ, होगा होगा, ये वो रीशेड्यूल करेंगे आरजू, तो वो भी लेक्चर हो जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट इट। वो रीशेड्यूल किया जा रहा है, रीशेड्यूल करने के बाद आपको वो भी एक सेशन हो जाएगा। ओके ऑलराइट, तो हो गया स्क्रीनशॉट निकाल के। ओके देन, सो दीज वर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है वो दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आधा घंटा पहले मिल जाए अपने आप। YouTube आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप चैनल पे जाके हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। अपकमिंग लाइव लेक्चर्स में आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। और वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस सीरीज़ का लाभ हो सके। एंड मेक श्योर दैट यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। वैसे फ़ायदा तो मुझे दिख रहा है, आपको MSQs की और NATs की बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है, आप सबका एक जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। आई कैन सी कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है इन इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू। तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ योर प्रोग्रेस। ठीक है, तो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। ठीक है, सो अंटिल आर नेक्स्ट सेशन, गुड बाय फ्रॉम मी।